हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे पास खड़ा भाई ब्रेजा का PNG वेरिएंट, जो कि है मिडल वाला। तो बीच वाला वेरिएंट लेके आया हूँ भाई, क्योंकि मैंने टॉप आपको दिखा दिया था, बेस दिखा दिया था, अब आज है बीच वाला वेरिएंट। सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन की, तो लंबाई 3995, तो 5 mm कम है 4 मीटर से। बाकी चौड़ाई की बात करें तो 1790 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। मिडल वेरिएंट जो कि है भाई ये VXI। बात करेंगे फ्रंट से, सबसे पहले देखें इसकी ग्रिल, क्रोम की फिनिशिंग है, बीच में सुजुकी का ब्रांडिंग, ब्लैक कलर का ओवरऑल इसका बीच में से क्लोजिंग, रेड और ब्लैक डुअल टोन में ये देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका बम्पर। हेडलाइट की बात करें, लो बीम हाई बीम यहीं पर है और दोनों में देखने को मिलते हैं इसके प्रोजेक्टर बेस। ये इसकी LED DRLs, नीचे फोग लैम्प मिडिल वेरिएंट में नहीं है क्योंकि ये है CNG वाला वेरिएंट। सामने कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक हमें देखने को मिल जाता है। सामने टोइंग हुक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बात करेंगे। पूरा रेड कलर का इसका बोनेट देखने को मिल जाएगा। वाइपर्स के यहाँ पर कंट्रोल, ये कुछ और ब्रांडिंग, यहाँ पर CNG की ब्रांडिंग। अब चलते हैं साइड में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ इसके अलॉय व्हील जो कि मिडल वेरिएंट में मिल जाते हैं, डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील। सामने की तरफ ड्रम ब्रेक, MRF के टायर्स, और टायर साइज की अगर हम बात करें तो टायर साइज ये रहा भाई 215/60/R16 16 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। क्लैडिंग काफी बड़ी बड़ी है जो कि रेड और ब्लैक के डुअल टोन कॉम्बिनेशन को कवर करती है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है और सेफ्टी भी काफी ज्यादा प्रोवाइड करा देगी। ये नहीं आता, ये लगवाया है भाई कंपनी ने सिल्वर और क्रोम में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर ORVM यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका। LED इंडिकेटर यहाँ बात करोगे अंदर से कंट्रोल होगा। इसकी बात करें ये देखने को मिल जाएगा बॉडी कलर पेंट जो कि ब्लैक कलर में है। एंटीना शार्पिंग एंटीना देखने को मिलेगा, नॉर्मल वाला बेस मॉडल में नहीं है। रेन वाइजर देखने को मिल जाएंगे क्रोम के साथ, थर्ड ग्लास जो काफी अच्छा देखने को मिलता है। फिर सेम वही पीछे से हमें कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक, पीछे MRF का टायर 16 इंच के डुअल टोन जो कि हमें देखने को मिलेंगे इसके अलॉय व्हील्स। क्लैडिंग जो कुछ इस तरीके की है, बैकलाइट की बात करें कुछ इस तरीके की, इसको छोटी रेंज रोवर भी बोलते हैं। सुजुकी की ब्रांडिंग साथ में यहाँ मिलेगी आपको, ब्रेजा की ब्रांडिंग पीछे इतनी बड़ी बड़ी। यहाँ पर बात करोगे नंबर प्लेट की जगह कैमरा इस वेरिएंट में नहीं है, यहाँ से प्रेस करके आप इसका बोनट ओपन कर सकते हो। पीछे की तरफ बात करें 4 पार्किंग सेंसर, 1 2 3 4 पीछे कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक। भाई बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिल जाएगी हमें 170 mm की। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये इसका ओवरऑल डिजाइन। अब बात करेंगे इसकी चाबी की, तो कुछ इस तरीके की इसकी की देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी दो की। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डोर ट्रिम की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, ये काफी अच्छी चीज है। यहाँ बात करोगे चारों पावर विंडो ऑटो डाउन एक के साथ, लॉक अनलॉक और ये पूरी इसको एडजस्ट करने के लिए बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगी स्पीकर ग्रिल, ये आपको बोतल होल्डर और कुछ सामान रखने की जगह। बॉडी कलर इसका ये जो कि हम बोलते हैं डोर हैंडल, और यहाँ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा जो कुछ इस तरीके की चीज है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सीट की बात करें, ये है इसका लंबाड सपोर्ट और ये इसका हाइट एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ देखने को मिलेगा भाई फ्यूल में चेंज करने के लिए बटन, साथ में ट्रैक्शन ऑन ऑफ और हेडलाइट लेवलर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें, सुजुकी की ब्रांडिंग, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस साइड कुछ नहीं है, ये कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन। फ्लैट स्टीयरिंग, फोन उठाना काटना मिलाना तीनों आपको यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इसका वाइपर कंट्रोल और यहाँ पर इसके हेडलाइट कंट्रोल। अब स्टेयरिंग के, तो स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो टिल्ट, तो भाई सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया इसका ओवरऑल लुक। ये कुछ इसका इस तरीके का डिस्प्ले,
अब करते हैं इसे ऑन, चाबी घुमाई, ये हो गया इसका डिस्प्ले ऑन। ये दो डायल कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे क्या क्या देखने को मिलता है। एक ये डंडा जो कि यहाँ है और एक ये बटन जो यहाँ है, दो डायल। बीच में आप इसकी बात करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फ्यूल बता देगा कितना आपका पेट्रोल और यहाँ पर सीएनजी। बूट ओपन है तो ये बूट दिखा देगा भाई ये बूट ओपन है, टाइम, टेम्परेचर, पेट्रोल, सीएनजी सारी चीज़ यहाँ पर है। साथ में नीचे ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, 60 ये किलोमीटर पर लीटर एवरेज भी बताएगी, एवरेज एक यहाँ पर है, ये रेंज और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इससे चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, ये तीन चीज़ आपको इस वाले हैंडल से देखने को मिल जाएंगी। डैशबोर्ड की बात करें तो छोटा सा डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और आगे की चीज़ आपको प्रॉपर शो हो जाती हैं। ये हो गया भाई स्टेयरिंग सारी चीज़। एसी की बात करोगे तो एसी वेंट जो कि हमें सिल्वर की फिनिशिंग एसी वेंट के ऊपर देखने को मिलेगी। ऑटो की ब्रांडिंग वन टच डाउन के साथ है, ये वन टच किया ऊपर, लेकिन वन टच में ऊपर भी हो जाएगा, तो वन टच डाउन वन टच आपसे देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंच का देखने को मिलेगा और 4 स्पीकर के साथ। टच की बात करें तो टच काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है भाई इसमें, पूरा एंड्रॉयड वाला फील देगी। पेयर डिवाइस ऐड अन ऐड ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये स्टेशन कैंसिल ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। कुछ ये थोड़े थोड़े हैप्टिक फीडबैक वाले बटन देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हमें दे दी गई हैं। फ़ोन पे तो सर्च फॉर इंफोटेनमेंट, सर्च फॉर फ़ोन, तो ये आपको ब्लूटूथ पेयरिंग सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब नीचे बात करें तो ये हो गया इसका एसी वेंट जो कि कुछ इस तरीके के हैं। नीचे आएंगे एसी का कंट्रोल, एसी कंट्रोल देखने को मिलेंगे भाई आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और ये बटन काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। फैन स्पीड काफ़ी अच्छी है, और ये है इसका एडजस्ट करने के लिए बटन, ऑटोमेटिक भी है और यहाँ भी है। ये सारे बटन जैसे सर्कुलेशन ऑन ऑफ, एसी ऑन ऑफ, ऑफ, ऑटो, फ्रंट रियर, कहाँ से आपको लेके आना है, ये पतले पतले बटन काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे बात करोगे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, और ये टाइप ए कनेक्ट करने के लिए, ये आप इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल रखने की जगह, यहाँ बात करेंगे 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, कुछ यहाँ पर सामान रखने की जगह, सिक्के विक्के रख लो भाई, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट इसमें नहीं है बीच वाले में, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कुछ सामान रखने की जगह, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता। फ्रंट की बात करें डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड सिल्वर कलर में है और नीचे ब्लैक कलर का इसके, कुछ इस तरीके का प्रॉपर सिस्टम। एक आपको ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी, बीज कलर और थोड़ा सा ब्लैक कलर का अंदर से है। और इसकी बात करें तो ये भाई कुछ इस तरीके का इसका देखने को मिलेगा आपको ग्लव बॉक्स, जो कोल्ड नहीं है, नॉर्मल वाला ग्लव बॉक्स है। सीट कवर जैसे ही कंपनी ने यहाँ पर लगा दी है। सीट कंफर्ट की बात करूँ, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये थाई सपोर्ट। अब करता हूँ इसकी एडजस्टमेंट सीट की, तो सीट हो चुकी है एडजस्ट, तीनों पैडल साथ में डेड पैडल देखने को मिल जाएगा डेडिकेटेड, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये हो गई सारी चीज़। अब चलते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ और स्पेस देखते हैं भाई, स्पेस हमें पता है ब्रेजा का अच्छा है, तो पीछे चलते और देखते हैं क्या क्या इसमें बाकी फीचर्स हैं। आगे दिखा दिए, हाँ ये ऊपर कुछ रह गया था, तो यहाँ पर खाली ये देखने को मिलेगा टिकट होल्डर। इसकी बात करोगे तो मैनुअल दिया गया है, और यहाँ बात करोगे तो खाली शीशा है, आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी। सॉफ्टली ऊपर जाने वाले ग्रैब हैंडल। अब चलते हैं पीछे, और ये माइक की प्लेसमेंट, यहाँ पर लाइट की प्लेसमेंट नहीं दिखी, वो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। पीछे वाले डोर की बात करें, 90 डिग्री ओपनिंग, पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच पूरा यहाँ पर। ये हार्ड प्लास्टिक हैंडल, काफ़ी सॉफ्ट है और ब्लैक कलर का ही है। पावर विंडो ये वाली, कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल डिज़ाइन। स्पीकर ग्रिल यहाँ पर, और ये आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। सीट कुछ इस तरीके की, सीट कवर लग चुके हैं, थाई सपोर्ट ठीक है। अंदर बैठ के बाकी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। हम आगे भाई गाड़ी के अंदर, नीचे पड़ी है टूल बॉक्स, इससे पहले ये देखो कितने अंदर पैर घुसा लो, अभी मेरे पहुँचे भी नहीं, और भी ज़्यादा अंदर गैप है, तो
तो लेग स्पेस बहुत तगड़ा है इसमें, नी रूम इतना देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना हो गया नी रूम। थाई सपोर्ट की बात करें तो इतना तो काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीन बंदे बैठ सकते हैं और हम्प काफ़ी बड़ा है तो दो बंदे और एक बच्चा ही बैठ पाएगा। आगे फीचर की बात करें, दो एसी वेंट जो कि यहाँ पर कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में नीचे और कुछ देखने को नहीं मिलता, खाली दो एसी वेंट हमें पीछे वाले पैसेंजर के लिए दिए हैं, ये फीचर यहाँ पर। बाकी ये आपको बताया, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का हुक के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, हैलोजन लाइट, और ये आपको मिल जाएगा इसका यहाँ पर नॉर्मल वाला हुक के साथ ये ब्रांड। ये हो गया इसका ओवरऑल व्यू पीछे से। सामने से दिखा दूँ भाई, ये कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि ये इसका फ्रंट 7 इंच की डिस्प्ले 4 स्पीकर के साथ। नीचे बात करोगे कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल डिज़ाइन। अब चलते हैं इसकी डिग्गी में और बात करते हैं बूट स्पेस की। बात करेंगे बूट की, तो बूट देखो सबसे पहले मिलेगी पार्शल ट्रे जिसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके नीचे सीएनजी सिलेंडर जो कि आपको कुछ ऐसा मिलता है, और इसके सामने मिलती है आपको कवरिंग। तो ये कुछ इतनी सारी इसकी कवरिंग देखने को मिल जाती है। नीचे आप सिलेंडर के नीचे भी सामान रख सकते हैं, छोटे मोटे पोलोथीन, और यहाँ आपको इतना चौड़ा ये बैग रखने की जगह मिल जाती है। कुछ थोड़ा सा सामान यहाँ पर और थोड़ा सा सामान यहाँ पर आप इजिली रख सकते हैं। ये भाई इसका ओवरऑल बूट स्पेस। इसको उठाते हैं एक बार और उठा के ये देखो, यहाँ इसका मिलेगा वंडर का टायर और टायर सेक्शन R16, तो 16 इंच का मिलेगा इसमें टायर, तो एलॉय व्हील इसमें 16 इंच के और अंदर टायर 16 इंच का, तो कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती। ये सारी चीजें इसमें है तो, और 212 लीटर का बूट स्पेस कंपनी से बोलती है। यहाँ पर आप खड़े करके दो बैग इजिली रख सकते हो, जो छोटी मोटी पोलोथीन है वो इसके नीचे घुसा दो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये है भाई हमारी रेस मोड जो मिडल वेरिएंट है उसका सीएनजी वाला सांग। अब करते हैं इसका बोनट ओपन और बोनट में देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। भाई बात करेंगे इसके इंजन की, 1500 cc का इंजन देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर वाला। पावर फिगर 87 bhp और टॉर्क मिलेगा 121 Nm का, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिडल वेरिएंट है, ABS, EBD, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, ये चारों देखने को मिल जाते हैं भाई। TPMS इस वाले ऑप्शन में नहीं है जो कि मिडल वेरिएंट है। यह है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, सारी चीज़ बता दी। नीचे कवरिंग है तो आप देख सकते हैं भाई, इंजन गार्ड भी लगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप अपना जो वॉशिंग के लिए फ्लूड है वो आपका ब्रेक ऑयल, और यहाँ पर आप अपना इजीली डलवा सकते हैं कूलेंट। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। एक चीज़ और देखने को मिलती है वो है इसका हुड में देखोगे पूरी इंसुलेशन दी है भाई, इतना बढ़िया इसका देखने को मिलता है हमें इंजन, फिर भी इंसुलेशन दी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है मारुति की तरफ से। बाकी एक बार ओवरऑल मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक आता है हुड ओपन होने के बाद। अब करते हैं इसे बंद। तो ये थी भाई हमारे पास ब्रेजा जो कि मिडल वेरिएंट है, रेड कलर में है भाई, अलॉय के मैंने सारी चीज़ आपको दिखा दी, तो कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक आता है हमारे पास मिडल वेरिएंट ब्रेजा का। भाई अगर इसे खरीदना चाहते हो तो ये खड़ी है पश्चिम बिहार में, जो कि हमारे पास है विपुल मोटर्स का शोरूम रेडिसन होटल के बिल्कुल अपोजिट में। यहाँ पर आओ आप, इसको खरीदो और मजे लो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।